प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत, कहा आजाद भारत में अब तक की सबसे बड़ी किसान हितैषी योजना। प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री लगाएंगे डुबकी, स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, सफाई कर्मचारियों, पुलिस के जवानों, नाविकों और स्वच्छ आग्रहियों को करेंगे पुरस्कृत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दो दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं लखनऊ। लखनऊ और कानपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। भदोही में हुए विस्फोट के सभी पहलुओं की जा रही है जांच, चौरी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को किया गया निलंबित। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में आज किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र भारत की अब तक की सबसे बड़ी किसान योजना है, जिसमें 12 करोड़ से अधिक किसानों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से मेरे देश के करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही है। मैं गोरखपुर के लोगों को तो दोहरी बधाई देता हूं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत के साक्षात गवाह बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों की कठिनाइयों और उसके निवारण के लिए उनकी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने लोगों को इस योजना के बारे में विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार से सावधान रहने की अपील की। प्रधानमंत्री ने यूपीए शासनकाल में वर्ष 2008 में किसानों के लिए किए गए कर्जमाफी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय देश भर के किसानों पर 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने मात्र 52,000 करोड़ रुपए ही माफ किए, वो भी चुनावों को ध्यान में रखकर। बाद में भी 2000 देगा, उसके बाद भी 2000 देगा, लेकिन साल भर के बाद ये मोदी वापस ले लेगा, वापस ले लेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। में सरकारी दफ्तर के हिसाब से, बैंकों के दफ्तर के हिसाब से किसानों का पूरे देश का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ कितना किया? सिर्फ आंकड़ा याद रखिए, 6 लाख करोड़ के सामने मात्र 52,000 करोड़ रुपया माफ किया। ये 52,000 करोड़ रुपया भी 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले। 12-13 करोड़ किसान, उसमें से सिर्फ 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52,000 करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा किसान मोर्चे द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि में 6,000 रूपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर और आसपास के जिलों में किए जा रहे विकास कार्यों से किसानों और यहां के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर आजादी के बाद के किसानों की सबसे बड़ी योजना का शुभारंभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर की धरती और उत्तर प्रदेश की धरती को चुना है। 2,14,00,000 किसान इस योजना से उत्तर प्रदेश के लाभान्वित होने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर का वही फर्टिलाइजर का प्रांगण है। याद करिए 10 जून 1990 यहां का खाद कारखाना बंद हो गया था, किसानों को खाद मिलना बंद हो गया था, किसान तबाह था। यहां का किसान पलायन कर रहा था, यहां का नौजवान पलायन कर रहा था, लेकिन गोरखपुर के साथ साथ बरौनी तालचर ये 3-3 नए खाद कारखाने की नींव रखना, 2020 में गोरखपुर का खाद कारखाना देश के अंदर देश के किसानों को उर्वरता के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक गोरखपुर मंडल में और एक बस्ती मंडल में जो 2 नई चीनी मिल लग रही हैं, इन दोनों चीनी मिलें अगले महीने से प्रारंभ होंगी। इन दोनों चीनी मिलों में हम लोगों ने शुगर बनाने के साथ साथ शुगर केन से इथेनॉल की भी सुविधा की पूरी व्यवस्था दी है। यहां पर प्रतिदिन इन दोनों चीनी मिलों में, पिपराइच और मुंडेरवा की दोनों चीनी मिलों में प्रतिदिन 50,000 क्विंटल गन्ने की पेराई होगी। जितनी चीनी की आवश्यकता होगी उतनी चीनी बनाएंगे और शेष गन्ने से इथेनॉल बना करके किसान के जीवन और उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 53वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पुलवामा आतंकी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए देशभर में फैले आक्रोश और जज्बे को सराहते हुए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई का जिक्र किया। आज मन भरा हुआ है। 10 दिन पूर्व भारत माता ने अपने वीर सपूतों को खो दिया। इन पराक्रमी वीरों ने हम 125 करोड़ भारतीयों की रक्षा में खुद को खपा दिया। पुलवामा के आतंकी हमले में वीर जवानों की शहादत के बाद देश भर में लोगों के मन में आघात और आक्रोश है। शहीदों और उनके परिवारों के प्रति चारों तरफ संवेदनाएं उमड़ पड़ी हैं। आपने देखा होगा कि हमले के 100 घंटे के भीतर ही किस प्रकार से कदम उठाए गए हैं। सेना ने आतंकवादियों और उनके मददगारों के समूल नष्ट का संकल्प ले लिया है। वीर सैनिकों की शहादत के बाद मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों की जो प्रेरणादायी बातें सामने आई हैं, उसने पूरे देश के हौसले को और बल दिया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इसी समय शुरू हो रही हाईस्कूल और इंटर की विभिन्न बोर्डों की परीक्षाओं में शामिल हो रहे छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने छात्रों के परिजनों से हुई बातचीत का भी हवाला दिया। शुरू होने ही वाला है। देश भर में अलग अलग शिक्षा बोर्ड अगले कुछ हफ्तों में 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड के इम्तिहान के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को और सभी टीचर्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ दिन पहले दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का एक बहुत बड़ा आयोजन टाउन हॉल के फॉर्मेट में हुआ। इस टाउन हॉल कार्यक्रम में मुझे टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश विदेश के करोड़ों स्टूडेंट्स के साथ, उनके अभिभावकों के साथ, टीचर्स के साथ बात करने का अवसर मिला। परीक्षा पे चर्चा, इसकी एक विशेषता यह रही कि परीक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत हुई।
कई ऐसे पहलू सामने आए जो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। सभी विद्यार्थी, उनके शिक्षक, माता पिता YouTube पर इस पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आने वाले परीक्षा के लिए मेरे सभी एग्जाम वॉरियर्स को ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अभी हाल ही में अपने वाराणसी दौरे के समय दिव्यांग छात्रों से मुलाकात का जिक्र किया और उनके उत्साह और उमंग को सराहा। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले मैं काशी गया था। वहां मुझे दिव्यांग भाई बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिला। उनसे कई विषयों पर चर्चा हुई और उनका आत्मविश्वास वाकई प्रभावित करने वाला था, प्रेरक था। बातचीत के दौरान उनमें से एक प्रज्ञा चक्षु नौजवान से जब मैं बात कर रहा था तो उसने कहा, मैं तो स्टेज आर्टिस्ट हूं, मैं मनोरंजन के कार्यक्रमों में मिमिक्री करता हूं। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, आप किसकी मिमिक्री करते हो? तो उसने बताया कि मैं प्रधानमंत्री की मिमिक्री करता हूं। तो मैंने उनसे कहा, जरा करके दिखाइए। और मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य था कि उन्हें मन की बात में जिस प्रकार से मैं बात करता हूं उसी की पूरी मिमिक्री की और मन की बात की ही मिमिक्री की। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि लोग न सिर्फ मन की बात सुनते हैं बल्कि उसे कई अवसरों पर याद भी करते हैं। मैं सचमुच में उस दिव्यांग नौजवान की शक्ति से बहुत ही प्रभावित हुआ। सोनभद्र जैसे पिछड़े अंचल में प्रधानमंत्री के मन की बात को आज लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ बड़ी बड़ी LCD और टेलीविजन के माध्यम से हर जगह व्यवस्थित होकर सुना। लोगों का मानना है कि अपनी पूरी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने सेना से लेकर सामाजिक सेवा और स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण तक को एक सूत्र में पिरोकर प्रस्तुत किया। किसानी से जुड़े हुए समाज के हित में काम करने वालों को पहली बार पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। यह बहुत ही एक प्रेरणा स्रोत रहा और हम समाज में किसानी का काम अच्छा से अच्छा करके धन के साथ साथ नाम भी कमा सकते हैं, यह इस कार्यक्रम से हमें शिक्षा मिली। 1977 में मोरारजी देसाई जी की सरकार में जो अमेंडमेंट आया उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे देश में आपातकाल लगाए जाते हैं, आपातकाल का समय सीमा क्या होता है और आपातकाल लगाने का अधिकार किसको होता है। यह देश के लिए अंतिम संस्करण में बताने के लिए ऐसा लगता है कि देश हमारा कहीं आगे अन्य विषयों पर विचार कर रहा होगा। कि आज का पूरा कार्यक्रम सेना के लिए ही था समर्पित मोदी जी की तरफ से, और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम होने से सेना का मनोबल बढ़ेगा और देश में सेना के प्रति जो भाव समर्पण का होगा वो निश्चित रूप से इसको देखने के बाद लोगों के बीच में आया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल की अंतिम मन की बात कार्यक्रम में अनेक मुद्दों को छुआ। बिजनौर जिले की जनता में देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हुआ। पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए जवानों की शहादत को प्रणाम करते हुए बिजनौर की जनता ने प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाए। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने शिक्षा पे चर्चा जो विषय हम सब लोगों से शेयर किया वो एक बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी, क्योंकि जो स्पेशली इस टाइम पे जब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो वो बहुत सारे स्टूडेंट को इंस्पायर करने के साथ साथ बहुत सारे उन्होंने ट्रिक्स भी बताई हैं और हर सब्जेक्ट पे उन्होंने स्पेसिफिक डिस्कशन भी किया है तो वो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करेगा। प्रधानमंत्री का आज का मन का कार्यक्रम उनका भव्य था, ये देख करके ऐसा लगा कि सारे के सारा देश शहीदों के साथ है। प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों, स्वच्छ आग्रहियों, पुलिस के जवानों और नाविकों को स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस मौके पर स्वच्छ सेवा सम्मान लाभ पैकेज की डिजिटल घोषणा भी की जाएगी। प्रधानमंत्री बाद में जनसमूह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री त्रिवेणी संगम स्नान करेंगे और प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों से बातचीत भी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल का लखनऊ में उद्घाटन करेंगे।
राष्ट्रपति सोमवार को कानपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 4 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एक कार्यक्रम में वे डीएवी कॉलेज के एलुमनाई मीट में शामिल होंगे, वहां की वो छात्र रहे हैं। कानपुर नगर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने मेडिकल कॉलेज सभागार में सेवा भारती द्वारा राष्ट्र निर्माण सेवा कार्यों की भूमिका विषय पर आयोजित गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने बताया कि सेवा भारती का देश भर में बहुत बड़ा संगठन है। इसके विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से लोगों को गैर सरकारी तौर पर सहायता पहुंचाई जाती है। देखिए, सेवा भारती के द्वारा चाहे वो मलिन बस्ती हो, चाहे गरीबी बस्ती हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो, सेवा कार्यों का हमेशा से महत्व दिया गया है। बाढ़ आई होगी तो स्वयं सेवक लगे होंगे, गरीबों को किसी प्रकार की सहायता पहुंचानी होगी तो आगे रहे होंगे। तो सेवा भारती का पूरे देश में एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसके विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से लोगों को गैर सरकारी सहायता के तौर पर सहायता पहुंचाई जाती है। तो आज उसी का कार्यक्रम है, उसी के निमित्त मैं यहां पर आया हूं। भदोही के चौरी थाना क्षेत्र के रौटहा में शनिवार को अवैध पटाखा व्यवसायी के मकान में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई और 3 मकान जमींदोज हो गए। मरने वालों में पटाखा व्यवसायी परिवार के 2 लोगों के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के 9 बुनकर शामिल हैं। जिस मकान में विस्फोट हुआ उसमें कालीन बुनाई का कारखाना भी संचालित था, जिसमें पश्चिम बंगाल से आए बुनकर काम करते थे। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ टीम देर रात तक रेस्क्यू में जुटी रही। मौके पर बम निरोधक दस्ते व एटीएस की टीम के साथ एडीजी, आईजी, डीएम और एसपी बीएसएफ की भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे। इस मामले में एसपी ने चौरी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। मौके पर पहुंचे वाराणसी जोन के एडीजी पीवी रामा शास्त्री ने बताया कि विस्फोट के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। एक छोटा सा कारखाना है कालीन बनाने का, इसके मजदूर काम कर रहे थे, इसमें कोई विस्फोट हुआ। विस्फोट होने पर इनकी मृत्यु हो गई है और इसका मालिक इरफान, इनका भी मृत्यु हो गई है। साथ में ये भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली है कि ये मालिक, कारखाने का मालिक सामने एक दुकान भी चलाता था, उसमें और परचून सामान के साथ साथ पटाखे भी बेचा जाता था और यहाँ पर इनके द्वारा पटाखे बनाए जाने के भी एक प्रिलिमिनरी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अभी हम ये कहना जल्दी होगा कि इन्वेस्टिगेशन पर एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, सभी पहलुओं पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखिए, कुछ पीसेस जब भी यहाँ पर धमाका होता है तो कुछ, जैसे कि मैंने बताया था कि कालीन बनाने का कारखाना है, कुछ अलग अलग पीसेस भी बिखरे पड़े हैं, कुछ स्प्लिंटर भी होते हैं। ये सब सामान स्वाभाविक रूप से इकट्ठा करके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को दिया गया था। कोई ऐसा कोई वस्तु नहीं है अभी तक जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये कोई ऐसा पदार्थ है जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब विस्फोट हुआ तो पूरा इलाका धमाके से दहल गया था। दुधवा में आने वाले पर्यटकों का सफर अब और सुहाना होने जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल अब दुधवा में एसी रेल बस चलाने जा रहा है। इस बस में सवार होकर पर्यटक दुधवा के प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा तो ले ही सकेंगे, साथ ही वन्य जीवों को भी करीब से देख सकेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के कारने में एसी रेल बस तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसे जंगल में पटरियों पर उतार दिया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के रेल कारखाने के चीफ वर्कशॉप मैनेजर राजेश अवस्थी ने बताया कि रेल बस में लोगों की सहूलियतों का पूरा ख्याल रखा गया है। रेल बस में पुश बैक सीट लगाई गई है, आगे पीछे इसमें कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, इसमें बाहर देखने के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि यात्री बाहर का नजारा अंदर से देख सकें। लोगों के खानपान का ध्यान रखते हुए रेल बस में पेंट्री कार भी लगाई गई है।
सफाई के लिए रेल बस में बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। इस रेल बस को नानपारा सेक्शन पर चलाया जाएगा। रेल बस से करतनिया घाट और दुधवा दो महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्वाइंट को कवर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके संचालन के लिए प्रदेश सरकार और IRCTC संपर्क किया गया है और जल्द ही पर्यटकों के लिए ये सेवा शुरू कर दी जाएगी। रेल बस थी वो नॉन AC रेल बस थी जो पैसेंजर सर्विसेज में यूज हो रही थी। इसमें टूरिस्ट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसको हमने एयर कंडीशन किया है। इसमें बेहतर क्वालिटी की सीट्स लगाई हैं जो पुश बैक सीट्स हैं। इसके अलावा इसमें लेबोरेटरी का प्रावधान किया गया है। जो हमारे टूरिस्ट होंगे उनको बाहर का अच्छा व्यू मिल सके उसके लिए कैमरा की व्यवस्था की है, जो कि जब अंदर वो केबिन में बैठे हों तो भी वो बाहर का दृश्य देख सकें और पर्यावरण का आनंद ले सकें। इसके अतिरिक्त जो टूरिस्ट उस सर्विस को अवेल कर रहे होंगे उनके खान पान की कैसे व्यवस्था होगी उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। कह सकते हैं देखिए रेल बस तो ऑलरेडी रेल और बस का फ्यूजन था, हमने उसमें एक टूरिस्ट के लिए सूटेबिलिटी दे दी है, उसमें कंफर्ट दे दिया है, उसमें कुछ इनोवेशन दे दिया है बाय यूजिंग कैमरा, जो कि हमारे मतलब अभी तक ऐसा नहीं किसी भी ट्रेन में होता है कि पैसेंजर बैठा रहे और उसे सामने का दृश्य दिखता रहे कि जो ड्राइवर को दिख रहा है, लेकिन अब ऐसा है कि पैसेंजर इसमें सफर करते हुए वो सामने का और पीछे का दृश्य भी देखते रहेंगे। तो हमने इनोवेशन प्लस रेल प्लस बस, तो बेसिकली दिस इज द टूरिस्ट कार फॉर रेल बस दैट वी हैव क्रिएटेड। उत्तर प्रदेश के देवबंद से गिरफ्तार दो संदिग्ध आतंकवादियों को लेकर UPATS शनिवार को लखनऊ पहुंची। दोनों को देर शाम विशेष मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की कोशिश की गई लेकिन वकीलों के हंगामे के कारण पेशी नहीं हो सकी। इसके बाद ATS ने दोनों को स्पेशल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु दयाल श्रीवास्तव के आवास पर पेश किया और पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड पर देने की गुजारिश की। रिमांड के दौरान UPATS के साथ NIA और केंद्रीय खुफिया एजेंसी की टीमें भी अलग अलग पूछताछ करेंगी। गौरतलब है कि UPATS ने शुक्रवार को सहारनपुर के देवबंद से दो कश्मीरी युवकों को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान कश्मीर के कुलगाम निवासी शाहनवाज तेली और पुलवामा निवासी आकिब अहमद मलिक के नाम से हुई है। ATS का दावा है कि दोनों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की बात मानी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली की वापसी हुई है। दोनों टीमों की कोशिश T20 सीरीज को जीतकर बढ़े हुए मनोबल के साथ वनडे सीरीज में उतरने की रहेगी। दोनों टीमों के बीच 18 T20 मैच हुए हैं जिनमें 11 बार भारत ने और 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है, वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। आइए चलते हैं कुंभ के महत्वपूर्ण समाचारों की ओर। प्रयागराज कुंभ मेले में कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र गवर्नेंस की प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया गया है। संगम क्षेत्र में ड्यूटी पर लगे सफाई कर्मचारियों को सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ यहां से दिया जा रहा है। इस योजना में जिस भी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 से कम है वो इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। हिन्दुस्तान में पहली बार ऐसी योजना देश के प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई है, जिसे पाकर ये सफाईकर्मी बहुत खुश नजर आए। ऐसा पहली बार हुआ है कि ये गरीब तबके के लिए, चाहे वो रिक्शे वाला हो, सब्जी वाला हो या सफाई कर्मचारी, देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा। सफाई वाले में तो हमारा 3 कार्ड बना हुआ है और मुझे इस सुविधा के अनुसार बहुत ही अच्छा लगा और मैं इस माघ मेले में आया हुआ हूँ और मैं प्रधानमंत्री कार्ड मिला है। ये जितने भी मेला में सफाई कर्मी है उनका जो मोदी जी की एक नई योजना चालू हुई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, आज तक कभी भी ऐसी योजना चालू नहीं हुई थी जिसमें कि
एक गरीब तबके के लिए, एक रिक्शे वाले के लिए या एक सब्जी वाले के लिए या एक सफाई कर्मचारी के लिए किसी ने पेंशन के बारे में सोचा हो, इस योजना में जिनकी भी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है वो इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। तीर्थराज प्रयाग में चल रहे कुंभ मेले में देश के मशहूर कलाकारों का भी संगम देखने को मिल रहा है। पद्मश्री कलाकार सोनल मानसिंह ने कुंभ नगरी के त्रिवेणी मंच पर गंगा अवतरण और नमामि गंगे पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के माध्यम से गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को दर्शाया गया है। सोनल मानसिंह ने कहा कि जिस तरह गंगा यमुना सरस्वती का संगम यहां है, उसी तरह संगीत का संगम भी लोगों को कुंभ नगरी में देखने को मिल रहा है। इस मौके पर दर्शकों की भारी भीड़ थी। यहाँ पर भारतीय संस्कृति के जो ज्वलंत आयाम है, भारतीय नृत्य पद्धतियाँ और संगीत, गीत वाद्य, गीतम वाद्यम च नृत्यम च त्रयम संगीतम उच्यते, तो यहाँ दक्षिण भारत का कर्नाटक पद्धति का, उत्तर भारत का हिंदुस्तानी, ये और नृत्य की सारी विधाएं जो 8 शास्त्रीय विधाएं हैं उनका यहाँ अद्भुत संगम हुआ। तो संगम के किनारे ये जो संगम हुआ, जो डबल वहमी जिसको कहते हैं, तो ये बहुत ही मुझे लगता है लाभदायक है लोगों के लिए। भारत के योग को जहां आज पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है, वहीं इस योग के प्रचार प्रसार के लिए दिव्यांग छात्रों ने भी बीड़ा उठाया है। प्रयागराज के कुंभ मेले में योग की शिक्षा को बढ़ावा देने और इसे जन सामान्य और महिलाओं द्वारा अपनाने के लिए सेक्टर 13 स्थित सरस्वती मंच में चित्रकूट के जगत गुरु राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्रों ने योग नृत्य प्रस्तुत किया। उन्होंने योग के माध्यम से शिव तांडव स्तोत्र का आश्चर्यजनक प्रदर्शन कर वहां मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नृत्य के दौरान इन दिव्यांग छात्रों ने योग की विभिन्न मुद्राओं को भी दिखाया। प्रस्तुति दे रहे छात्रों का कहना था कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक योग को लोग अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं और शरीर को निरोग रखें। हाँ, जो हमारा प्रोग्राम करने का जो मेन पर्पज़ है, तो वहाँ तो हम लोग अपने दिनचर्या में तो ले ही लिए हैं, मगर समाज के जनता को जागरूक करना कि जगह जगह पर प्रोग्राम के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, खास करके उन महिलाओं को जो गांव में है वो भी देखें, जाने टीवी में देखें, ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और अपने घर परिवार और समाज को भी जागरूक करें। हम सभी का उद्देश्य ये है कि हम योग शिक्षा के साथ साथ योग शिक्षा भी लेके और हम आगे बढ़ें और स्वस्थ शरीर भी हो हमारे योग शिक्षा से, जो कि हम ये सारे प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होते हैं। मैं सोचा कि कुछ इस तरह का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए, लोगों देखें और देख करके उनके मन में ऐसा विचार आए कि उसको करें, और जब व्यक्ति अपने जीवन में योग करेगा तो निरोग रहेगा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत। कहा, आजाद भारत में अब तक की सबसे बड़ी किसान हितैषी योजना है ये। प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री लगाएंगे डुबकी। स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सफाई कर्मचारियों, पुलिस के जवानों, नाविकों और स्वच्छ आग्रहियों को करेंगे पुरस्कृत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं लखनऊ। लखनऊ और कानपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।